नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हाल ही में हरियाणा प्रदेश में एक नई सरकार का गठन हुआ है जो भाजपा और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार है। मगर आज कैथल में पूर्व केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री जयप्रकाश ने पत्रकार वार्ता की और मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बिल्कुल निकम्मी सरकार है। उन्होंने झूठ के पुलिंदा बांध करके जनता के वायदे किए थे और जनता को झूठ बोला, लेकिन कोई भी वादा उन्होंने धरातल पर पूरा करने की कोशिश नहीं की है। इस प्रेस वार्ता में जिला के सभी विधानसभा इलाके के कई कांग्रेसी नेता मौजूद थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार विकास के बड़े बड़े वादे जरूर करती है, लेकिन प्रदेश में कहीं पर भी कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो विकास कार्यों में गिनवाया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि न तो कोई विश्वविद्यालय बनवाया है और न ही कोई एक्सप्रेस वे हाईवे। इसके अलावा उन्होंने कोई भी अन्य बड़ा काम भी नहीं किया भाजपा द्वारा न करवाया गया है। उन्होंने दुष्यंत चौटाला की पार्टी पर भी अपना बोलते हुए कहा कि दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि वे बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपये कर देंगे और किसानों के हालात में भी सुधार लाएंगे, लेकिन वह भाजपा के साथ मिलकर के जनता को झूठे दिलासे देने में लगे हुए हैं, जिसके बाद वे अपने वादे भी भूल चुके हैं। बुढ़ापा पेंशन अब तक लागू हो जानी चाहिए थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दुष्यंत चौटाला बड़े बड़े नेताओं से जरूर मिल रहे हैं, लेकिन किसानों से कभी नहीं मिले। उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मंडी में जाया जाए और किसानों की फसल बिक भी रही है या नहीं, उन्हें फसलों के दाम सही मिल रहे हैं या नहीं, इसके बारे में मालूमात किया जाए, मगर दुष्यंत चौटाला ऐसा नहीं कर रहे। वहीं उन्होंने जेजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जेजेपी ने कांग्रेस और भाजपा के बीच में सकूरी का काम किया है। जेजेपी जहाँ पर भी जीती है वहाँ पर कांग्रेस जीत रही थी, उनकी जीत सुनिश्चित थी, परंतु जेजेपी के आ जाने से उनकी जीत हार में बदल गई। उन्होंने ये कहते हुए अपनी हार का ठीकरा भी यहाँ की जनता के ऊपर फोड़ डाला और ज्ञान की जनता को ना समझ बताया। उन्होंने कह दिया कि बिना समझ के उन्होंने वोट कर दिए हैं, जिसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 10 नवंबर को हम कैथल में एक बड़ा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसमें सरकार को चेताया जाएगा, ज्ञापन भी सौंपे जाएंगे। पूर्व मंत्री जयप्रकाश ने कानून पर बोलते हुए कहा कि जिस प्रकार से प्रशासन छठ पूजा की तैयारी कर रहा था और वार्ड नंबर 4 में पार्षद और उसकी पत्नी के चौकीदार की पिटाई सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि चौकीदार के पवित्र झील में के अंदर कूड़ा डालने के लिए मना किया था, इससे साफ जाहिर है कि कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। पुलिस ने केवल पार्षद और DDR काट करके बचाने का काम किया क्योंकि वह भाजपा का कार्यकर्ता था। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे कार्यों की निंदा करता हूं। पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। मुख्य उद्देश्य है कि 10 तारीख को कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जनता को जागरूक करने के लिए एक आंदोलन चलाने का निर्णय लिया, ये निर्णय 7 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलग अलग समय पर होगा। तो हमारा कैथल जिला जो है इसका 10 तारीख सुबह 11 बजे हम सब साथियों ने मीटिंग करके फैसला लिया है कि 11 बजे हम इकट्ठे होंगे शहीद स्मारक के ऊपर और वहां से पैदल चल करके हम ज्ञापन देंगे। और ज्ञापन में जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि जब सबसे ज्वलनशील मुद्दा है वो है आज किसान की धान की फसल कोड़ियों के भाव रुल रही है, लूट रही है, कोई प्रोसीजर नहीं है, सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। दूसरा हमारा कानून व्यवस्था की स्थिति, जिस दिन से नई सरकार बनी है, आप बाहर की बात छोड़िए, वैसे तो आप देखते हैं कल सोनीपत में 2 मर्डर हुए, हर जगह ऐसा हाल है, लेकिन कैथल में ही कल जिस तरीके से नंगा नाच हुआ, तो 7 दिन में ही कानून व्यवस्था की स्थिति का हाल ये हो चुका है। आज तो मैंने हमारे एक साथी ने दिखाया है वीडियो क्लिप कि म्युनिसिपल कमिश्नर का इतना हौसला बढ़ गया सरकार आती, जब एक चौकीदार ये कहता है कि वे कूड़ा तालाब में ना डाले, क्योंकि तालाब का बड़ा ऐतिहासिक जगह है और छठ पूजा का भी समय था, वैसे तो चाहिए तो ये था उस कमिश्नर MC भाई ने और उसकी पत्नी ने कि उन्हें डालना चाहिए था, अगर उसके बाद भी चलो उन्होंने गलती करी है और चौकीदार उसको रोक रहा है,
उसके बाद उस चौकीदार की पिटाई करी और प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोए हुए। तो आज हमारे साथियों ने बताया कि FIR भी दर्ज नहीं की, केवल DDR काटी। DDR जब काटी जाती है, जब कोई ब्लाइंड मामला हो, जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का आदमी म्युनिसिपल कमिश्नर लोकल बॉडी की एक सरकार होती है शहर की, उसका एक हिस्सा है, और वो इस तरीके से चौकीदार की पिटाई करे, प्रशासन कोई संज्ञान ना ले, प्रशासन FIR भी दर्ज ना करे, सरेआम गोलियां चले, प्रशासन उसकी तरफ कोई ध्यान ना दे, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो खराब है। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि आप महामहिम राष्ट्रपति से मिलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे नेताओं से दिल्ली में मिलो, मनोहर लाल जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो अपना प्रशासनिक अधिकारी है उन पे कहो कि कम से कम लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक करो। तीसरा, जो देश की अर्थव्यवस्था है वो दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। GDP जो 5 की बात ये करते हैं पिछली तिमाही में, वो 5 नहीं 2.5% बची है। जब GDP 2.5% आ जाएगी तो प्रदेश में बेरोजगारी दर बढ़ जाएगी, दर बढ़ जाएगी तो कानून व्यवस्था की जो हम चर्चा करते हैं अपराध बढ़ेगा, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, दुकानदार की दुकान नहीं चलेगी, व्यापारी का कारखाना नहीं चलेगा, किसान की फसल समय पर नहीं बिकेगी और सस्ती बिकेगी, मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगी। तो यानी कि इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, तो हम सब कैथल जिला के साथी 10 तारीख को एक प्रदर्शन करेंगे, जुलूस निकालेंगे, सरकार को चेताएंगे। और सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है लेकिन JJP उसमें सहयोगी है। मैं भारतीय जनता पार्टी को जितना दोषी मानता हूं, खास करके जीरी ना बिकने में, उससे ज्यादा दोषी मैं JJP को मानता हूं, क्योंकि JJP ने एक अप्राकृतिक अपराध किया है BJP का साथ देकर, क्योंकि जनता ने तो BJP को ठुकरा दिया, मैंडेट नहीं दिया, जनता ने मैंडेट विपक्ष को दिया और विपक्ष की भूमिका JJP नहीं निभाई, जनता के साथ अपने मतदाताओं के साथ धोखा करके, और उसने BJP को समर्थन किया, तो दोषी कौन हुआ? JJP। और JJP का जो क्या बोलते हैं, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत सिंह चौटाला, मुझे उसकी बात ऐसी लगती है जैसे बचकाना हरकत। आज किसान रो रहा है, किसान की फसल बिक नहीं रही, धान की फसल रेट पूरे नहीं मिल रहे। दुष्यंत चौटाला को चाहिए तो ये था कि वो मनोहर लाल जी को लेकर के, मुख्यमंत्री जी को लेकर के प्रधानमंत्री जी से मिलना, और वो कभी उपराष्ट्रपति जी के पास जा रहा है, कभी राष्ट्रपति जी के पास जाए, मुझे तकलीफ नहीं है, राष्ट्रपति जी के पास जाए, हो सकता है कि उन्होंने अपने परिवार की सजा कम करानी हो, अपने काम के लिए भी जाए, लेकिन किसान जिसके नाम से इन्होंने सरकार ली है, जिसके नाम से नौजवानों को भ्रमित किया JJP ने, आज इनकी गलत नीति की वजह से GDP गिरेगी तो नौजवानों का रोजगार खत्म, बेरोजगारी बढ़ेगी, किसान की फसल नहीं बिकेगी, तो दो ही का तो प्रतिनिधित्व तो करती है JJP, और दोनों आज इनके राज में दुखी है। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि दुष्यंत चौटाला गुड़गावा का 10 सेक्टर के अस्पताल का निरीक्षण करने तो चला गया, जबकि इन्हें मेडिकल का ज्ञान भी नहीं है। और मैं उनको बताना चाहता हूँ, अस्पताल का निरीक्षण करने से कम जो डॉक्टर हैं उनको साथ रखना चाहिए, इसको बेचारे को क्या पता इसको क्या बीमारी है, ये समय पर इसका एक्सरे उतरा कि नहीं उतरा, समय पर इसको दवाई देगी ठीक देगी, डॉक्टर एक्सपर्ट डॉक्टर होना चाहिए थे। वैसे गया जैसे सवेरे सवेरे हम पार्क में सैर कर, ये फॉर्मेलिटी है, अस्पताल की बजाय जाना चाहिए था कलैक की अनाज मंडी में, कैथल की अनाज मंडी में, कुंडरी की अनाज मंडी में, कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में, पलवल की अनाज मंडी में, जहाँ किसान रो रहा है। कम से कम अगर ये किसान के साथ इन्होंने छल कर लिया है, कपट कर लिया, धोखा कर लिया, आज तो उनके आंसू तो पूछ दे जाकर के मंडियों में। आज 7 दिन से बड़े दुख की बात है, मैं 40 साल से राजनीति करता रहा, हम पक्ष में भी रहे हैं, विपक्ष में भी रहे, लेकिन ये पहली नकम्मी और नालायक सरकार है जिसने अपने मुख्यमंत्री या दूसरे मंत्री तो आना दूर रहा, जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं
किसी की मंडी में अब की बार प्रोक्योरमेंट में ड्यूटी नहीं है, इसका मतलब किसान विरोधी है। तो इसलिए लोगों ने तो फैसला सही ले लिया बीजेपी को हराने का, लेकिन जो मैंडेट पूरा किया वो जेजेपी ने किया। तो सारी इस अव्यवस्था के लिए जेजेपी दोषी है। तो मैं यही एक बात कहना चाहूंगा कि यदि किसान भाइयों से, नौजवान साथियों से और छोटे दुकानदार भाइयों से, छोटे व्यापारियों से, मुलारी को 10 तारीख को इस प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया और पूरे देश में हम लोगों ने विपक्ष का साथ नहीं दिया, विशेष तौर से कांग्रेस का साथ, तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी 30 तारीख से पहले एक मुआहदे पर दस्तखत करने जा रहे हैं और उस एग्रीमेंट के बाद आपने कल डॉक्टर मनमोहन सिंह का लेख भी लिखा देखा होगा, चीजें तो सारी कांग्रेस के टाइम की थी, जीएसटी भी कांग्रेस का था, आधार भी कांग्रेस का था। जब जीएसटी कांग्रेस लोकसभा में, जीएसटी और आधार लोकसभा में पास हुए, मैं एमपी था उस वक्त, तो विरोध कर रहे थे जीएसटी नहीं लागू नहीं चाहिए। जीएसटी उन्होंने लागू कर दी लेकिन कायदे से नहीं कर दी, आधार लागू कर दिया, एक आधार तो एक हिसाब बना दिया जिसका सीआईए स्टाफ और मैं जहां पास पुलिस का डंडा, हर चीज आधार से जोड़ देंगे, आधार से लिंक कर देंगे, जैसे लोगों को डरा रहे हैं, भय पैदा कर रहे हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने अर्थव्यवस्था का जो बेड़ा गर्क किया है, ये ना किसी से राय लेते मोदी साहब, कम से कम डॉक्टर मनमोहन सिंह को दुनिया में एक अर्थशास्त्री के रूप में जाना जाता है, एक बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में जाना जाता है, उनकी राय नहीं, किसी और की राय नहीं, गलत फैसले ले लिए। अगर जनता अब आज जागरूक नहीं हुई, हरियाणा की सरकार तो चलो जनता ने तो बीजेपी के खिलाफ मैंडेट देने का फैसला लिया था, लेकिन जेजेपी ने, जैसे हम 5 साल कहते रहे, लोगों के समझ में नहीं आई कि लोकदल जेजेपी बीजेपी की बीटी, आज ही बीजेपी की बीटी साबित होगी, वरना कैथल जिला की 4 सीट जेजेपी को ठुकरा देते जनता तो कांग्रेस के हाथ में आती, और 4 सीट कांग्रेस के हाथ में आती तो आज कांग्रेस की सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती तो किसान की जीरी अमरूद में नहीं देते, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी लड़ाई, हम यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति खराब नहीं होती। अगर हमारी सरकार होती और तालाब को कोई बर्बाद करना चाहे तो हम उसका पक्ष नहीं लेते, तो ये तो खुद ही गलत काम कर रहे हैं। तो इस सब बातों को लेकर के हमारा आपके माध्यम से भी सब साथियों से निवेदन है कि 10 तारीख को सुबह 11 बजे शहीदी पार्क में एकत्रित होकर के हम जुलूस के रूप में डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपेंगे। आदम तीनों साथी बैठे पूछ हम लोगों बात आरिया लिखती हो, कई हजार लोग होंगे, क्या बोलते हैं, कंडी बोलते हैं, सुगनी बोलते हैं, मैंने ज्ञान घाट है चीज, वो रोल इन कर सीधी बात किया है। और मैं वैसे भी विस्तार से बता दूं कि ये गलती थोड़ी सी हमारे इलाके के भोली भाली जनता की, इनसे मेरी आज से लड़ाई नहीं है, मेरी 93 से। और मैंने ये सोचा था कि लोग इस परिवार को समझ चुके हैं, और जेजेपी पे विश्वास करना, जिसने अपने दादा को के साथ धोखा किया हो, अपने परिवार को तोड़ दिया हो बीजेपी के कहने से, तो इलाके को कैसे छोड़ेंगे। मैं गलती दुष्यंत चौटाला की नहीं मानता, मैं गलती मानता हूं हमारे मतदाताओं की, जिन्होंने इनको परखने में, जैसे कहते हैं ना कि जोरी सोने को तो जोरी परखेगा ना, तो नेतृत्व को तो मतदाता ने परखना चाहिए था। ये स्कंडी का रोल कर रही है जेजेपी। तो हमारी हार का कारण कुछ नहीं है, हमारे मतदाताओं ने उस नेतृत्व को नहीं परखा जिसमें पूर्ण रूप से खोट था। सर आम जनता का सफल नहीं रही। मैंने आपसे बताया है कि 75 पार का नारा तो मैंने रणदीप सिंह के भी कई बयान पढ़े हैं, मैं भी खुद कहता था कि 2009 में, ये तो जनता ने सोचना चाहिए ना, हमारी बातों में क्यों विश्वास करे जनता, हमारे तो काम पे विश्वास करे और निर्णय जनता खुद ले। 2009 में सेम पोजीशन थी कांग्रेस की, 40 सीट आई थी, तो आज तो उससे भी वर्ष पोजीशन थी,
क्योंकि जो जात पात का जहर फैलाने का प्रयास किया आज वो खत्म हो गया ना। जिन शहरों को जलाया गया वहां कांग्रेस जीती। आप कैथल शहर का हिसाब लगा लीजिए, यहाँ रणदीप सिंह को बहुत ज्यादा वोट मिली। अगर यहाँ कास्टवार होती तो रणदीप सिंह को वोट इतनी क्यों मिलती? कलायत में कास्टवार होती जयप्रकाश को इतनी वोट कैसे मिलती? पुंडरी में कास्टवार होती तो हमारे जांगड़े भाई को दूसरी जातियों के वोट क्यों मिलते? तो इसमें तो हम तो सक्सेस रहे, लेकिन जनता सेकंडियों को पहचानने में गलती की। लेकिन बुढ़ापा पेंशन तो 3 महीने में चाहिए, लेकिन ये नहीं मानेंगे हम जिस तरह पाछे धोखा गिर दिया 200 रुपये साल के, तो 200 मानेंगे। इकट्ठे 5100 देंगे तो हम मानेंगे, अगर इकट्ठे 5100 नहीं दिए तो जनता मगर हम कहेगी तो हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे। सर पिछले